हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का वीडियो जो है बहुत खास होने वाला है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर काफी लोग मेडिटेशन और योगा सीखने के लिए आते हैं और करने के लिए आते हैं। जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है योगा की, हम आपको उसी जगह पे ले जाने वाले हैं जो कि अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने एक खास दोस्त से मिलाना चाहता हूँ कि जो कि मेरा बचपन का दोस्त है। वो भी एक यूट्यूबर है और बहुत अच्छे वीडियोस बनाता है। तो चलिए मैं आपको उससे मिलाता हूँ। ये है दीपक जोशी। दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और वह वाइट के व्लॉग्स देख के इन्जॉय कर रहे होंगे। और मैं आज काफ़ी लकी फील कर रहा हूँ कि आज फिर से मैं ऋषिकेश में आया और वो भी सौरभ नेगी भाई के साथ आया। लकी तो मैं फील कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग बचपन के दोस्त हैं। स्कूल हम लोगों ने एक साथ पढ़ी थी, गंगा वैली स्कूल, और क्लास सिक्स तक हम लोगों ने साथ रहा था। फिर मैं देहरादून चला गया था और उसके बाद इतने सालों बाद, मतलब लिटरली 20 साल बाद हम लोग मिल रहे होंगे। 20 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि सदियाँ बीत गई है। बिल्कुल, और ऋषिकेश में मिल रहे हैं मतलब कि। और उसके बाद मैं भाई के बहुत सारे व्लॉग देखता रहता हूँ, बल्कि मैंने जो व्लॉगिंग स्टार्ट की थी वो सौरभ नेगी को देख कर ही स्टार्ट की थी। सही में मैंने स्टार्ट करा था जब तुम्हारा पहला व्लॉग आया था ऋषिकेश वाला। अच्छा। जब तुम वहाँ से आए थे हैदराबाद टू ऋषिकेश। अच्छा, तो अच्छा। वो दिखाता जा मैंने, तो मेरे को लगा था अगर मेरे को भी करना चाहिए। और जो लोग इनको देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना इनको। और मैं ये कहूँगा कि अगर आपको मेरे व्लॉग में पसंद आए तो वो भी देख लेना, अगर आपको उम्मीद लगती है तो देखने की। तो मैं आपको दीपक जोशी का, ये आपके स्क्रीन में भी आ रहा होगा नाम, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इनके सारे वीडियोस देखो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी हम लोग जा रहे हैं बीटल आश्रम। वैसे ना, हाँ बीटल आश्रम जा रहे हैं हम। तो अभी हम चलते हैं, आपको बीटल आश्रम में डायरेक्ट लेके चलते हैं, फिर उसके बाद आगे का वीडियो दिखाते हैं। तो दोस्तों, फाइनली पहुँच गए हैं हम बीटल्स आश्रम। और बीटल्स आश्रम को 84 कुटिया भी बोलते हैं। तो अभी हम अंदर जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर बीटल्स आश्रम के अंदर जो है मेडिटेशन केव्स है, और मेडिटेशन केव्स के अलावा एक रेजिडेंशियल पूरा एरिया है जो कि पूरे शहर के तरह है। यहाँ पर आपको किचन, डाइनिंग वगैरह और पोस्ट ऑफिस वगैरह सब कुछ दिख जाता है। ये इसका एंट्रेंस है। और जो आपको प्राइस है टिकट का वो दिखा देते हैं। जो इंडियन है उनके लिए 150 है और स्टूडेंट्स के लिए 40 रुपीज़ है। इसी तरीके से फॉरनर्स के लिए 600 है। तो यहाँ पर से आपको टिकट लेना होता है। तो वहाँ से एंट्री करोगे तो ये रास्ता जाता है ऊपर की साइड। यहाँ पर त्रिफला वाटिका भी लिखा है। यहाँ पर 3 टाइप के पेड़ लगे हैं। यहाँ अरहर का पेड़ और आंवला का पेड़, ये सब लगा है यहाँ पर, क्योंकि ये जगह जो है राजाजी नेशनल पार्क के अंडर आती है। तो ये एक तरीके के जंगल के बीच में ही है, जंगल में ही आप इसको बोल सकते हो। तो 3 साइड से ये कवर भी है पूरा राजाजी नेशनल पार्क से, इसीलिए ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर। तो मैं थोड़ा आपको इस जगह के बारे में बता देता हूँ, इस जगह की खासियत। तो ये जो जगह है इसको बीटल आश्रम बोलते हैं, और इसको 84 कुटिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ इस टाइप की बहुत सारी कुटिया बनी हुई है। तो यहाँ पर जो थे हमारे महर्षि महेश योगी जी थे, जिन्होंने इस जगह को डेवलप किया था एक मेडिटेशन और योगा के लिए। उस टाइम पे 1960 to 1970 के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था ये जगह। और इसको जो था ये पर्टिकुलरली सिर्फ मेडिटेशन वगैरह के लिए बनाया गया था, और जिसके वजह से ऋषिकेश को भी योग नगरी आज कहते हैं। और काफ़ी बाहर से बहुत इंटरनेशनल लेवल में इसकी पॉपुलैरिटी थी, तो उन्होंने ये जगह डेवलप की थी। और उसके बाद यहाँ पर जो उसका बीटल आश्रम नाम पड़ा है, तो बीटल आश्रम इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि जो द बीटल्स करके एक रॉक बैंड था वो यहाँ आए थे अपने मेडिटेशन के लिए, और उन्होंने यहाँ काफ़ी टाइम तक, बहुत सालों तक यहाँ पर मेडिटेशन किया था। और साथ ही साथ काफ़ी सारे यहाँ पर अपने गाने भी लिखे थे। उसके बाद आपको ये गेट दिखेगा 84 कुटिया नाम से, राजा जी टाइगर रिज़र्व लिखा है यहाँ पर वेलकम करके। तो यहाँ पर 2 रास्ते आपको मिलेंगे। ये जगह है ये जहाँ पर बहुत सारे केव्स बने हैं मेडिटेशन वाले, ठीक है, ऐसी बहुत सारी कुटिया बनी हुई। और एक डायरेक्शन है ये वाली, इस साइड। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले इस वाले एरिया में पूरा घूम लो, और उसके बाद जो है ये वाली जगह आप बाद में कवर कर सकते हैं क्योंकि कुटिया लगभग एक जैसी हैं। बट जो ये वाली जगह है जो आपको इस सामने दिख रही है, ये एक पूरी सिटी की तरह है। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारी जगह हैं, लाइक किचन रहेगा जहाँ पर सबके सब लोग खाना पीना खाते थे, और ऑडिटोरियम टाइप का जहाँ पर मीटिंग्स होती थी, जहाँ पर बहुत सारे लोग गैदर होते थे और योगा से रिलेटेड और मेडिटेशन से रिलेटेड क्लासेस होती थी। तो इस टाइप की जगह है, वो आपको दिखाता हूँ।
जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये एक पूरा सिटी की तरह बसाया हुआ था, तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी है। मुझे बस सोच के ही हैरानी हो रही, उस टाइम पे देखो कंस्ट्रक्टेड इन द अर्ली 1960s। तो चलिए पोस्ट ऑफिस के अंदर जाके दिखाते हैं। अरे एक खत लिख देते हैं, ये देखिए पोस्ट ऑफिस। हेलो हेलो, कोई है? आज छुट्टी है क्या? मुझे एक लेटर पोस्ट करना है, कोई है क्या? इस जगह को देख के जितनी खुशी हो रही है उतना ही मुझे दुख भी हो रहा है देखकर। अब दुख इस बात का है दोस्तों कि थोड़ी आवाज़ यहाँ पर गूंज रही होगी, दुख इस बात का है दोस्तों कि 1960s-70s में इस जगह को डेवलप किया गया, वो भी इतना अच्छे तरीके से, लोकेशन इतनी प्यारी है, और आज इसकी हालत बद से बदतर हो रही है, बद से बदतर। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए और इस जगह को फिर से एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाना चाहिए, और एटलीस्ट रिनोवेट ना करके एटलीस्ट इस जगह को मेंटेनेंस करना चाहिए, ताकि ये और ज़्यादा जगह पॉपुलर हो सके। ये थोड़ा टॉयलेट वाला एरिया दिख रहा है, एकदम ख़राब हो रखा है। और जो ये वाला एरिया है, इधर फ़ोटो गैलरीज वगैरह है, आप लोग यहाँ पर जाके आराम से फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हो यहाँ की। और ये देखिए यहाँ पर ये जो फूल दिख रहा है, ये थोड़ा फ्रेश दिख रहा है, तो यहाँ पर पूजा होती है, अभी भी काफ़ी पूजा वूजा करते हैं लोग इधर। देखिए एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे अभी अभी दिखी, मुझे इस बारे में मालूम नहीं था। इस टाइप के हॉल जितने भी बने हैं यहाँ पर, तो सबके अंदर शायद ऐसी कोई जगह है जिसके मतलब अंडरग्राउंड, उस टाइम पे भी सोचो कि अंडरग्राउंड इन्होंने रूम्स बना रखे थे अंडरग्राउंड। और मुझे लगता है केवल इसका रीज़न सिर्फ यही रहा होगा अंडरग्राउंड बनाने का, ताकि जो इसमें रह रहा है वो अंदर जाके आराम से, जो अंडरग्राउंड वाला एरिया है वहाँ पर जाके आराम से मेडिटेशन वगैरह कर सके। ओ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा था, पूरा शहर बसा रखा था, और उसमें ही आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा ये किचन वाला एरिया है। दिस किचन प्रिपेयर्ड वेजिटेरियन फूड फॉर ऑल द गेस्ट हुज नंबर ऑफन रीच्ड मोर देन 500। कितना ह्यूज नंबर है, 500 लोगों के लिए यहाँ पर खाना पीना बनता था। वो महर्षि महेश योगी जी है जो, वो इन्हीं की तस्वीर है। तो चलिए किचन के अंदर लेके चलते हैं आपको, 500 लोगों का खाना बनता था, कोई मामूली बात नहीं है। तो एक बार देखते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ओ ये जगह कौन सी रही होगी उस समय? डाइनिंग एरिया रहा होगा शायद, डाइनिंग एरिया तो नहीं, वैसे बाहर इतना ज़्यादा स्पेस है तो डाइनिंग एरिया शायद बाहर ही रहा होगा, बाहर ही लोग खाते होंगे। ये यहाँ पर शायद कुछ कुछ प्रिपेयर करते होंगे, बनाते होंगे कुछ, आटा वाटा पीसना, ये गूंदना, वो सब चीज़ों का। और ये जो पार्ट है ये मेन पार्ट होगा शायद इस जगह का, क्योंकि यहाँ चिमनीज बनी हुई, ये सब खुद से बनाई हुई चिमनीज है, कंक्रीट की चिमनीज है। एक बार इसके अंदर दिखाते हैं। तो भाई बहुत हैरानी की बात है कि उस टाइम पे भी यहाँ पूरा एक शहर बसा रखा था एक तरीके से। जो सामने दिख रहा है ये हनुमान जी का मंदिर है, संकट मोचन हनुमान जी, यहाँ हल्का हल्का दिख रहा है, पर यहाँ पर इस समय तो कोई भगवान की मूर्ति यहाँ पर रखी भी नहीं है। तो मूर्ति शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी मूर्ति में, खंडित, हमारे यहाँ बोलते हैं कि थोड़ी सी मूर्ति कहीं से टूट जाए या खंडित हो जाए तो उसको हटा दिया जाता है, या फिर किसी और रीज़न की वजह से शायद हटा दी गई हो। तो यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस है जो कि 1960 में ही बनाई गई थी, द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड फेमस बुक द साइंस ऑफ बीइंग एंड द आर्ट ऑफ लिविंग एंड महर्षि महेश योगी कमेंट्री ऑन द फर्स्ट 6 चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता वर प्रिंटेड इन दिस बिल्डिंग। जो ये वाली बिल्डिंग आपको दिख रही है, तो यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस थी, सोचिए क्या सही जगह है।
तो बताओ दीपक कैसा लग रहा है अभी तक? मजा आ रहा है पूरा, बहुत मजा आ रहा है अभी, है ना? सौरभ भाई मुझे बहुत सही जगह पे लेकर के आया। मैं ऋषिकेश इतने टाइम बाद आ चुका हूँ, इतनी मतलब मैं हर साल ऋषिकेश आता हूँ, बट फर्स्ट टाइम मैं बीटल आश्रम में आ रहा हूँ, इस जगह पे आ रहा हूँ। और सच में मतलब दिल बहुत अच्छा कर दिया आपने, जगह पे लेकर के आ गए। मतलब ये ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब हम अपने पुराने लोगों से उसे देख सकते हैं कि मतलब उन्होंने पहले कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था। और बाहर से देख के बिल्कुल लगता नहीं कि अंदर इतना इतना वास्ट होगा, इतना बड़ा होगा ना। मुझे लगा था छोटी मोटी चौरासी कुटी, मतलब कुटिया होगी जो फोटोज में दिखती थी, ये मैंने देखा था फोटो, बट मुझे पता नहीं था कि सच में इतनी बढ़िया जगह है। और अब हम जा रहे हैं, मतलब आपको दीपक भाई एक मस्त जगह दिखाता हूँ जो आपने फोटोज में देखा होगा। फोटोज में ज्यादातर आपने यही हॉल देखा होगा जब भी आप चौरासी कुटिया डालते हो गूगल में, तो ये वही हॉल है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, जिस हॉल के बाहर पे। अच्छा, तो ये वही हॉल है जहाँ पर काफी सारे शूटिंग करते हैं लोग, वीडियोस बनाते हैं, डांस वांस की वीडियोस वगैरह बनाते हैं। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। ये देखिए, ये देखिए महर्षि जी है, और ये लोग वो जो बीटल्स बैंड था, द बीटल्स बैंड, वो इन्हीं लोगों का था। एक अच्छी खासी पेंटिंग बना रखी है यहाँ पर, काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पर काफ़ी फ़ोटो शूट वगैरह के लिए आते हैं। तो ये एक तरीके का ऑडिटोरियम बोल देंगे जहाँ पर मीटिंग्स वगैरह होती थी, और ये स्टेज था यहाँ का, और पीछे से देखिए थोड़ा इस तरीके का है। तो चलिए जल्दी से आपको मैं यहाँ के सिनेमेटिक वीडियोस दिखा देता हूँ, और आप देखिए ज़बरदस्त। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही मस्त जगह जिसका नाम है आनंद भवन एंड सिद्धि भवन। उन लोगों के लिए जो यहाँ मतलब कोर्सेज करने के लिए आते थे, मेडिटेशन का एडवांस कोर्स करना चाहते थे जो लोग, उनके लिए ये जगह थी। तो ये पूरा एक आजकल के टाइम पे जो अपार्टमेंट्स होते हैं, ये उसी अपार्टमेंट्स की तरह ही है। आप देखिए ज़रा ध्यान से, ये देखिए। ये आपको मिल जाता है वन बेडरूम किचन, और यहाँ पर आपको वॉशरूम मिल जाएगा। सामने आप पूरा अपने मज़े कर सकते हो अच्छा सा व्यू देखकर, और इधर भी व्यू मिल जाएगा। तो दोस्तों हम आपसे सिर्फ पैसे जो चार्ज कर रहे हैं वो सिर्फ व्यू के कर रहे हैं, बाकी रूम का आपको भाड़ा देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ व्यू का देना है भाड़ा। खैर जोक्स अपार्ट, लेकिन 1970s के टाइम पे ये जगह फुली डेवलप्ड थी, और अच्छे से इसको डेवलप किया था, और एक अच्छे आर्किटेक्चर के साथ इस जगह को बनाया गया है। आप खुद ही देखिए, थोड़ा सा आपको फ़ोटो गैलरी वगैरह दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर की स्पॉटेड डियर, और ये देखिए यहाँ पे ये बंदर है, लाइव बंदर, ये देखिए लाइव बंदर। इनसे तो हम पंगा लेना ही नहीं चाहते भाई। ये कैफेटेरिया है यहाँ पर, कैफेटेरिया है ना। तो यहाँ पर देखिए, इन जो भी ये कुटिया बनी हुई है इनको मेडिटेशन केव्स बोलते हैं, ठीक है। माँ गंगा की जो आवाज़ आ रही है यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आ रही है, और चलिए देखते हैं, और आपको एक बार पूरा एंड में लेके चलता हूँ जहाँ से थोड़ा गंगा जी भी शायद दिखती है। ये देखिए दोस्तों, सामने पूरा माँ गंगा के दर्शन होते हैं। तो यहीं पे सारे केव्स बने हैं मेडिटेशन के, तो चलिए इसके अंदर लेके चलता हूँ आपको। ओ माय गॉड,
ये तो हॉन्टेड प्लेस लग रहा है भाई। मैं जैसा सोच रहा था ये उससे काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी उस टाइम पे, 1960 के टाइम पे सोच लो कितनी ज़्यादा डेवलप थी। तो ये देखिए, ये एक रूम हो गया, ठीक है, और अटैच इसके साथ टॉयलेट है, भले टॉयलेट की हालत बुरी है, और यहीं से सीढ़ियाँ जा रही है। पता नहीं यार ये सीढ़ियाँ मेरा वजन झेल पाएगी कि नहीं, थोड़ा सा डर भी लग रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कितनी खूबसूरत जगह है, इतना सारा है यहाँ पर घूमने के लिए, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इतना चल जाओगे लेकिन आपको उस थक का एहसास नहीं होगा, इतनी ज़्यादा थक नहीं लगेगी आपको, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ, पूरी मेहनत और लगन के साथ इस जगह को बनाया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड यहीं पर, और मैं दीपक जोशी जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारे साथ आए और हमने इतने अच्छे से वीडियो शूट करा आज का, और आज का दिन बहुत खास रहा, बहुत मज़ा आया यहाँ पर। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो उसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और जोशी जी का तो आपको नीचे दिख जाएगा स्क्रीन पे यूट्यूब चैनल नेम। और हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि काफ़ी अच्छा लगा सौरभ भाई जी के साथ आज मुझे ऋषिकेश में आने का मौका मिला, और इतनी बढ़िया जगह मैं आज तक आया नहीं था कभी। वैसे मैं और जगह भी गया हूँ पहाड़ों में, लेकिन ये जो जगह मुझे सबसे बढ़िया लगी, सबसे अच्छी क्वालिटी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें शांति बहुत है, मतलब पीस है, और हम सब लोग कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, भाग दौड़ी की लाइफ हमारी हो चुकी है, तो हम लोगों को ठहराव कहीं ना कहीं चाहिए होता है, और वो बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों का ऐसा ही प्यार बना रहेगा, तो अभी हम साथ में और भी बहुत सारे जाएंगे, बिल्कुल, और भी सारी जगह जाएंगे आपको, हम दोनों कई जगह दिखने वाले हैं, कई ऐसी जगह पे, तो आप लोग प्यार बना के रखना। और जो वीडियो देख रहे हो, देखने के साथ साथ एक लाल बटन आ रहा होगा नीचे, उसको प्लीज दबा जरूर देना, क्योंकि उससे होता है कुछ नहीं, आप लोगों का कोई पैसे नहीं लगने वाले, वैसे मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन से क्या होगा कि हम लोग अच्छी वीडियो बना सकते हैं, ठीक है, आप ही लोगों के लिए बनाएंगे, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करना, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और खुश रहो अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।